हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल बोरसिक गार्डनिंग प्लांट में। तो फ्रेंड, ये नैनो क्लॉक का पौधा है और ये एकदम नया पौधा है दोस्तों। अगर आपके घर में भी नैनो क्लॉक का पौधा है जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, अभी सब खाद डाल के एकदम परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसी टॉपिक्स बताने वाले हैं जिसको डाल के, जिसको यूज़ करके आप एकदम पुराने से पुराने नैनो क्लॉक के पौधे में फूल खिला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि नैनो का पौधा एकदम छोटा पौधा है और अभी एकदम आप देख सकते हैं कि कितना छोटा पौधा है दोस्तों। हम इसमें आप जान सकते हैं कि दोस्तों अभी हमें इसमें रंगोली डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रंगोली देखिए, जो हमारे घर में यूज़ होती है उस रंगोली को डाल के इसमें इसको ऐसे डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे कि इस रंगोली का कितना ज़्यादा असर इस पौधे पर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि रंगोली में एक एंटी डायमंड केमिकल होता है जिसकी, जो इसके पौधों के लिए एकदम बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आपको बता दें, ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होता है, पौधे को फैलने में मदद देता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको, 15 दिन बाद हम इस पौधे को फिर देखेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने पौधे को कैसे, पौधा किस प्रकार से कितना घना हो गया है दोस्तों। ये देखिए पूरा फूल से भरा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पौधा कितना सुंदर हो गया है। देखिए रंगोली की वजह से इसकी, इसमें से पीला पीला वो आ गया। देखिए दोस्तों हमने जो रंगोली डाली है उसकी वजह से, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे सभी फूलों में पीला पीला वो हो गया दोस्तों। ये देखिए अब दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी पौधा है जो कि खिल नहीं रहा है, उसको भी आप एकदम जल्दी से रंगोली, ये देखिए रंगोली को यूज करके रंगोली को हम डाल सकते हैं दोस्तों।